अरे हाँ जी, एडजस्टमेंट इन कंसोलिडेशन। सेम टू यू, सेम टू यू अजय। एडजस्टमेंट नंबर वन, ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल आइटम्स और अनइवन आइटम्स। ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल आइटम्स और अनइवन आइटम्स। देखिएगा, सर एक डाउट था लास्ट क्लास। हाँ सर आपने स्टेप नंबर 6 बताया था ना, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एनसीआई एट बिल्कुल। कंसीडर। आइए मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर ईयर है, 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20। ये है आपका 1/10/2019 डेट ऑफ कंट्रोल। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मान लीजिए आपको यहां पर पीएनडल का बैलेंस दिया हुआ है 40,000 और यहां पर आपको पीएनडल का बैलेंस जो है वो दे रखा है 1 लाख। तो हमारी एक अजम्पशन होती है जो हमने एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में लिखी कि हमने ड्यूरिंग द ईयर ये 60,000 कमाए, ये ड्यूरिंग द ईयर हमने 60,000 अर्न किए। नाउ जानते हैं हम एक अजम्पशन फॉलो करते हैं कि ये 60,000 हमने इवनली अर्न किए। अब इवनली का मतलब क्या होता है जरा समझिए। इवनली का मतलब होता है अगर मैं अपने पीएनडल के हर एक आइटम को, ये मेरा पीएनडल। हाँ जी सर प्लीज रिपीट कर दो कि नेटवर्क इशू आ रहा था थोड़ा। हाँ, मैं ये बोल रहा हूं आपने 1 अप्रैल 19 को प्रॉफिट दे रखे हैं 40, 31 मार्च के प्रॉफिट हैं 1 लाख। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ड्यूरिंग द ईयर क्या कमाया, 60,000। अब ये जो ड्यूरिंग द ईयर 60,000 कमाया, आप इस पर एक अजम्पशन अप्लाई करते हो, इवनली एक्रू की अजम्पशन। तो इवनली कमाने का मतलब क्या है कि हमने हर महीने एक इक्वल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाया होगा। यानी आप समझ रहे हैं, मैंने पीएनडल के हर एक आइटम को डिवाइड बाय 12 किया तो जो नेट इंपैक्ट आता है वो भी आपका डिवाइड बाय 12 आएगा कि नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए, मान लो मैं यहां पर लिखता हूं कि क्रेडिट आइटम में आपके पास केवल सेल्स थी 6 लाख की, ठीक है, आप इसको डिवाइड बाय 12 करोगे तो इवनली सेल डिस्ट्रीब्यूट हो गई। मान लो आपका हर एक खर्चा जो आपने लिखा उसे भी आपने डिवाइड बाय 12 कर दिया तो आपका जो नेट प्रॉफिट आएगा वो भी ऑटोमेटिकली डिवाइड बाय 12 आ जाएगा। आप जब नेट प्रॉफिट को डिवाइड बाय 12 कर रहे हो ना, तो इसका मतलब इट रिफ्लेक्ट आपने पीएनडल के हर एक आइटम को डिवाइड बाय 12 किया है, तभी आपका जो नेट प्रॉफिट है वो डिवाइड बाय 12 आएगा। अब एक समस्या है। समस्या क्या है, यहां पर एक एबनॉर्मल एक्टिविटी घटित हुई है। मान लेते हैं यह है 1 जुलाई 19 लॉस बाय फायर,
लॉस बाय फायर। अब मुझे एक बात बताओ, जानते हो अगर आपने 60,000 को डिवाइड बाय 12 किया तो इसका मतलब आपने पीएनएल के हर एक आइटम को डिवाइड बाय 12 कर दिया, तो व्हाट डज इट मीन कि आपने लॉस बाय फायर को भी डिवाइड बाय 12 कर दिया। व्हाट डज इट मीन, आपकी हर महीने आग लगती है, थोड़ा सा माल जलेगा, आग बुझ जाएगी, अगले महीने फिर आग लगेगी, फिर 500 रुपए का माल जलेगा, फिर आग बुझ जाएगी। क्योंकि जब आप पूरे साल भर के प्रॉफिट पर डिवाइड बाय 12 का एडजस्टमेंट कर रहे हो, तो व्हाट डज इट मीन कि आपने उसके हर एक आइटम को डिवाइड बाय 12 कर दिया। एग्री यहां तक? लेकिन मुझे बताइए, क्या आग पूरे 12 महीने लगी है 500 रुपए की? नहीं, ये एक ऐसी घटना बिजनेस में हुई है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हुई है। हां जी, मैं यही चीज बताना चाह रहा हूं। तो आप 60,000 पर डिवाइड बाय 12 कैसे लगा सकते हो? तो पॉइंट इज, आपके इस 60,000 को निकालने में एक एबनॉर्मल घटना जुड़ी हुई है। इस एबनॉर्मल एक्टिविटी की वजह से केवल इस पीरियड का प्रॉफिट इंपैक्ट में आएगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपके पास अजम्पशन है डिवाइड बाय 12 की। तो अब पॉइंट ये आता है कि ऐसे किसी भी आइटम का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर बिजनेस में ये एक एबनॉर्मल एक्टिविटी न होती, सुनना बहुत ध्यान से, अगर बिजनेस में ये एक एबनॉर्मल एक्टिविटी न होती तो बाकी सारी एक्टिविटी डिवाइड बाय 12 हो सकती थी। अगर मैं आपको बोलूं कोई एबनॉर्मल घटना नहीं हुई, कोई एबनॉर्मल या अनइवन खर्चा नहीं हुआ, तो आपकी डिवाइड बाय 12 की अजम्पशन लग सकती थी। तो लीजिए, ऐसे सिचुएशन में मैं क्या एडजस्टमेंट करूंगा? पॉइंट नंबर वन, नलीफाई द इफेक्ट, नलीफाई द इफेक्ट ऑफ एबनॉर्मल आइटम्स। एक बार ये मान लो कि ये एबनॉर्मल घटना हुई ही नहीं होती, यानी अगर एबनॉर्मल लॉसेस हैं, खर्चे हैं, तो उन्हें एडबैक कर दो और अगर एबनॉर्मल गेन हुई है या एबनॉर्मल इनकम्स हैं तो उन्हें लेस कर दो, इंपैक्ट को नलीफाई कर दो या कैंसिल कर दो। और ये कैंसिलेशन केवल इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि मुझे डिवाइड बाय 12 लगाना है, वरना मैं टाइम एडजस्टमेंट नहीं लगा सकता। और रूल समझो, रीजन समझो, ये खर्चा डिवाइड बाय 12 नहीं हो सकता, ये खर्चा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर है, तो ये वही एडजस्ट होना चाहिए। आप इस खर्चे को डिवाइड बाय 12 करके अपने क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो मैं सबसे पहले एबनॉर्मल आइटम्स के इफेक्ट को क्या कर दूंगा? नलीफाई कर दूंगा। अब नलीफाई करते ही क्या होगा, मेरे ये प्रॉफिट 60,000 वाले बढ़कर कितने हो गए? 66 हो गए। ये 60,000 के प्रॉफिट मेरे 66 हो गए। वही लॉजिक दिया मैंने, आपने ये 60,000 निकालते समय इस लॉस को डेबिट कर दिया होगा, तो अगर ये लॉस नहीं हुआ तो आपके प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएंगे ना। यानी मैं अपने बिजनेस में एबनॉर्मल एक्टिविटी को नलीफाई कर रहा हूं, तो अगर लॉस हुआ है तो वो ऑलरेडी मेरे पीएनएल में डेबिट है, तो इस 60,000 को निकालने में मैंने उसे डेबिट किया हुआ है, यानी डिडक्ट किया हुआ है, तो वापस एडबैक करूंगा तभी वो नलीफाई होगा। और अगर ये आइटम इनकम का है तो वो इस प्रॉफिट को निकालते समय ऑलरेडी एडेड है, तो मैं उसको नलीफाई करने के लिए माइनस कर दूं। क्लियर? बिल्कुल। तो अगर कोई भी एबनॉर्मल घटना या कोई भी अनइवन आइटम आपके पास अगर क्वेश्चन में है, तो सबसे पहले आप उसे क्या करोगे? नलीफाई करोगे। सेकेंड पॉइंट, अप्लाई टाइम एडजस्टमेंट। अब आप टाइम एडजस्टमेंट लगा सकते हैं।
क्यों? क्योंकि अब अगर एबनॉर्मल और अनइवन आइटम हट गए तो सब कुछ नॉर्मल बता। यस बिल्कुल अंशुमन, मुझे क्योंकि इवनली की अजम्पशन लगानी है और इवनली की अजम्पशन के लिए ये जरूरी है हर एक आइटम डिवाइड बाय 12 हो सकता हो। लेकिन अगर मेरे पीएनएल में कुछ ऐसे आइटम हैं जिनको मैं डिवाइड बाय 12 नहीं कर सकता, तो अजम्पशन को अप्लाई करने के लिए मुझे एक बार इन आइटम्स के इफेक्ट को नलीफाई करना पड़ेगा। तो मैं इन आइटम्स को क्या कर दूंगा? नलीफाई कर दूंगा। आओ अब टाइम एडजस्टमेंट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब घटना तो हुई है ना और प्रॉफिट तो कम हुए हैं, रीइंस्टेट इफेक्ट ऑफ अबव आइटम्स अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ अकरेंस। अब देखिए एक्चुअल में तो प्रॉफिट पर इंपैक्ट आया है, अब आपने जब टाइम एडजस्टमेंट लगा दिया तो आपके पास प्री और पोस्ट का प्रॉफिट अलग हो गया है। अब आप देखो ये घटना कौन से पीरियड में हुई है, एक साथ ये प्री पीरियड में आ रही है तो आपको इसको प्री के प्रॉफिट में से लेस कर देना है, और अगर वो एबनॉर्मल घटना पोस्ट पीरियड में आ रही है तो आप उसका इंपैक्ट पोस्ट पीरियड में डाल दोगे। रीइंस्टेट द इफेक्ट ऑफ अबव आइटम्स अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ अकरेंस। रीइंस्टेट का मतलब होता है वापस से लिखेंगे अब उन आइटम्स को हम, लेकिन अब जब लिखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ अकरेंस लिखेंगे। अगर वो आइटम प्री पीरियड से रिलेटेड है तो उसको प्री में एडजस्ट कर दो, और अगर वो आइटम पोस्ट पीरियड से रिलेटेड है तो आप उसे पोस्ट में एडजस्ट कर दो। तो ये लीजिए, ये आपका पहला एडजस्टमेंट बनेगा। अच्छा नलीफाई कहां कर रहे हो आप, एक बार कौन से प्रॉफिट में नलीफाई किया वो भी देख लेना। इनका जो डिफरेंस लेकर मैंने पोस्ट के कॉलम में लिखा था, नलीफाई वहां किया है मैंने, 60,000 में ऐड किया मैंने। बोलिए क्लियर है पॉइंट? तीन बातें करनी है इस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट के लिए, कोई भी अब एबनॉर्मल आइटम और अनइवन आइटम है, सबसे पहले नलीफाई करो ताकि हम इवनली की अजम्पशन लगा सकें। टाइम एडजस्टमेंट लगाओ, इवनली उसको बांटो, एंड आफ्टर दैट उसको दोबारा से आप पिक्चर में ले आओ अकॉर्डिंग टू द, हाँ जी नलीफाई ऑलवेज पोस्ट प्रॉफिट बिल्कुल, एंड देन वापस से आप उसको रीइंस्टेट कर दो अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ अकरेंस। तो दैट इज अवर एडजस्टमेंट नंबर वन, एबनॉर्मल आइटम्स और अनइवन आइटम्स। Revaluation of assets. A non-current assets or B current assets. और यहीं पर मैं लास्ट में एक और बात डिस्कस कर लूंगा, करंट लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है,
सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट को इसी में होता है। आप जितने भी क्वेश्चन अपने मॉड्यूल वर्कबुक वगैरह में देखोगे तो रिवैल्यूएशन सबसे ज्यादा परेशान करता है, तो आपको इसको बहुत ध्यान से समझना है। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं रिवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट असेट्स। नहीं, ये तो पढ़ा हुआ होना चाहिए। रिवॉल्यूशन के तो सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग भी यही एडजस्टमेंट है। आपके मॉड्यूल का स्टार्टिंग का इलस्ट्रेशन ही इन्हीं बातों पर बेस्ड है, इलस्ट्रेशन वन, इलस्ट्रेशन टू। देखिएगा, रिवॉल्यूशन ऑफ नॉन करंट असेट्स, सुनना बहुत ध्यान से। देखो, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, पेरेंट कंपनी डिसाइड टू रिवैल्यू assets of subsidiary to bring them at fair value। देखिए, जैसे ही होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी की असेट को मतलब एक्विजिशन लेती है, वो उस समय पर उसकी असेट्स को रिवैल्यू करेगी ताकि नेट असेट सही आ सके। क्योंकि अगर नेट असेट सही नहीं आई तो जो गुडविल और बार्गेन परचेज है वो गलत हो जाएगा। तो नेट असेट को ठीक करने के लिए उसे अपनी जो सब्सिडरी कंपनी है उसकी नॉन करंट असेट्स को क्या करना होता है, रीवैल्यू करना होता है। रीवैल्यूएशन ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन इज रेलेवेंट। हमारे पास इस एडजस्टमेंट की रेलेवेंसी केवल और केवल डेट ऑफ एक्विजिशन पर है। इससे पहले या इससे बाद अगर कभी भी कोई रिवैल्यूएशन हुआ है तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास एग्जाम्स के क्वेश्चंस में जो भी रिवैल्यूएशन होगा वो उसी दिन होगा जिस दिन हमने कंट्रोल ऑब्टेन किया है, क्योंकि उसी का ट्रीटमेंट हमें यहां पर करना है। Calculate profit or loss due to revaluation. Calculate profit or loss due to revaluation. नहीं, एक्विजिशन जिस दिन हुआ है उस दिन रिवॉल्यूशन होगा, मैं ये बोल रहा हूं। आपका रिवॉल्यूशन क्वेश्चन में बिगनिंग एंड कोई मतलब नहीं है। अगर आपने मिड में एक्विजिशन किया है तो रिवॉल्यूशन भी मिड में ही होगा। रिवॉल्यूशन हमेशा उस दिन इंपैक्ट डालेगा जिस दिन आप कंट्रोल ऑब्टेन कर रहे हो। सबसे पहले रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट लॉस निकालेंगे।
revalued amount of asset on date of control. उस असेट का जो भी रिवैल्यूड अमाउंट है मैं वो ले लूंगा, माइनस करूंगा बुक वैल्यू ऑफ असेट ऑन डेट ऑफ कंट्रोल. बुक वैल्यू कैसे निकालूंगा? जो भी उस असेट की ओपनिंग बुक वैल्यू है उसमें से माइनस कर दूंगा डेप्रिसिएशन टिल एक्विजिशन डेट. तो ये मेरे पास बुक वैल्यू आ जाएगी. ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट मान लो आप. तो अब आपके पास जो बचा वो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस आएगा. ये रही प्रीवियस स्लाइड. थैंक यू सर. सर इससे पीछे वाली भी दिखा दो, एक बार एडजस्टमेंट वन वाली. चलो हो गया. तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे, रिवैल्यूड अमाउंट और उसकी बुक वैल्यू. आप जरा सोचिए, पहले एक नोट लिख देता हूं. नोट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस शुड ऑलवेज बी एडजस्टेड इन प्री प्रॉफिट्स. इन प्री प्रॉफिट्स आप जरा सोचिए, यह है 1 अप्रैल 19 और यह है 31 मार्च 20. हाँ आजा, 1-10-19 डेट ऑफ कंट्रोल. हैप्पी दिवाली बिनु, आ जाओ बैठ जाओ. चलो हैप्पी दिवाली बोल दो सबको. हैप्पी दिवाली सबको. अब चला लेता हूँ, मेरी टीवी पे तो चल नहीं रही. ना ना गेट मत खोलना. हाँ आप देखिए, यहां पर एक पीपीई आपने रिवैल्यूड किया है 4 लाख पर. अब थोड़ा सा लॉजिक से सोचो, अगर आज आप रिवैल्यूएशन कर रहे हो और मान लो आपके पास रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आता है 40,000, ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट आपने कमाया होगा ये इसी पीरियड के दौरान तो कमाया होगा. आप समझो, आप ये बोल रहे हो कि इस तारीख को हमने अपनी असेट की मार्केट वैल्यू देखी. समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं ये बोल रहा हूं कि 1-10 को
आपने इस असेट को रीवैल्यू किया और आपको प्रॉफिट हुआ, तो ये प्रॉफिट इधर थोड़ी कमाया है। अगर इस डेट पर आप किसी प्रॉफिट की बात कर रहे हो तो वो इस डेट से पहले कमाया गया होगा, कोई नुकसान उठाया वो भी इस डेट से पहले कमाया गया होगा। तो यानी आपको क्या मानना है कि अगर कोई भी रिवैल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस आता है तो वो हर हालत में प्री प्रॉफिट्स में ही एडजस्ट होगा, बिना सोचे समझे आपको उसको प्री प्रॉफिट्स में ही डालना है। नोट नंबर टू, व्हेनेवर goodwill already exist, whenever goodwill already exist in books, नहीं नहीं चार लाख में नहीं, प्री प्रॉफिट्स में। ये तो असेट की वैल्यू है, अभी मैं असेट की वैल्यू की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं चेंज बता रहा हूं प्री प्रॉफिट्स में। प्री प्रॉफिट्स में ऐड करूंगा जितने का प्रॉफिट हुआ है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितने का बोलोगे? 40,000 का, एंड इट शुड बी एडजस्टेड इन प्री प्रॉफिट्स, वहां पर ऐड कर देंगे हम। अभी मैं बना दूंगा रिवाइज्ड एओपी, समझा दूंगा आपको मैं। व्हेनेवर गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन बुक्स देन ऑलवेज assumed at nil value। इसके लिए क्वेश्चन ना कहे तो भी ध्यान रखना, अगर गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसको जीरो वैल्यू मानते हुए राइट ऑफ करना है। रीजन ये है, हम अपनी नई गुडविल ड्यू टू द एक्विजिशन अलग से निकाल रहे हैं, तो जो गुडविल सब्सिडरी कंपनी की बुक्स में ऑलरेडी चल रही है मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा जीरो वैल्यू अज्यूम करते हुए। देखो, या तो वो क्वेश्चन में दे देगा, नहीं देगा तो आपको ये अजम्पशन खुद लेनी पड़ेगी और गुडविल को आपको क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा जीरो वैल्यू पर लाकर। नोट नंबर सेकंड पॉइंट, additional depreciation oblique saving in depreciation due to revaluation। Due to revaluation, देखिएगा आप जब asset को revalue कर लेते हो तो future का जो depreciation है वो revalued amount पर आपको मिलता है। अगर हम straight line method follow कर रहे हैं तो एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑब्लिक सेविंग कैसे निकालोगे? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और इनटू पोस्ट पीरियड। आप समझना यहां पर, अगर इस दिन रिवैल्यूएशन हो रहा है तो इसके आगे ही तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलना चालू होगा। या जो भी सेविंग होगी वो भी आगे होगी, तो मैं केवल उतने महीने कंसीडर करूंगा जो मेरा पोस्ट पीरियड है।
द रीजन इज एक दस को अगर असेट रीवैल्यू हुई है तो उस रिवैल्यूशन की वजह से जो भी आपका डेप्रिसिएशन बनेगा वो डेप्रिसिएशन केवल और केवल कहां बनेगा, पोस्ट पीरियड में बनेगा। तो आपको सिंपली स्ट्रेट लाइन मेथड के केस में ये फॉर्मूला लगाना है, जितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ इनटू डेप्रिसिएशन की जो रेट आपको दे रखी है इनटू पोस्ट पीरियड। तो ये आपके पास पता लग जाएगा कि कितना एडिशनल डेप्रिसिएशन आया है। अगर कंपनी WDV मेथड फॉलो कर रही है P&L में डेप्रिसिएशन रेट, हाँ जी, तो डेप्रिसिएशन तो P&L में ही जाएगा ना, प्रॉफिट्स में ही तो एडजस्ट करोगे आप इसको। अभी इस पीरियड का एडजस्टमेंट करेंगे अपना, ये जो डेप्रिसिएशन है ये इस पीरियड के प्रॉफिट को कम कर देगा ना। हमने चूंकि रिवैल्यूशन आज किया है तो इसके बाद हमारे प्रॉफिट कम हो जाएंगे, पोस्ट प्रॉफिट, तो उतने समय का डेप्रिसिएशन निकाल लूंगा WDV। रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ असेट इनटू रेट और इनटू पोस्ट पीरियड, और बी डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज्ड, जो रिमेनिंग बचा वो आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। या सेविंग इन डेप्रिसिएशन है, सोचिए थोड़ा सा लॉजिक लगाना। आपके पास यहां पर बैलेंस शीट दी हुई है तो सोच के देखो यहां पर जो पीपीई की वैल्यू होगी क्या वो डेप्रिशिएटेड वैल्यू होगी या नहीं होगी। एग्री और नॉट? आप जब 31 मार्च की बैलेंस शीट बना चुके हो तो वहां जो पीपीई रिफ्लेक्ट हो रहा होगा वो डेप्रिशिएटेड वैल्यू होगी बैलेंस शीट में। तो इसका मतलब कुछ डेप्रिसिएशन तो आप ऑलरेडी चार्ज कर चुके हो ना अपनी बुक्स में। आपने रिवैल्यूशन नहीं किया था लेकिन आपकी जो असेट की नॉर्मल ओरिजिनल बुक वैल्यू थी आपने उस पर तो डेप्रिसिएशन लगा ही लिया था। तो यहां पर मैं क्या सिंपल सी बात बोल रहा हूं, आपने जिस वैल्यू पर असेट को रिवैल्यू किया उसका टोटल डेप्रिसिएशन निकाल लो पोस्ट पीरियड का, और उसमें से माइनस कर दो जो डेप्रिसिएशन आपने ऑलरेडी बुक्स में चार्ज कर रखा है। तो जो रिमेनिंग वैल्यू होगी वो आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन को शो करेगी। SLM है तो इस तरह से निकालना है, WDV है तो इस तरह से निकालना है। क्योंकि WDV में आप समझो, SLM में तो क्या होता है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल रहता है ना, तो फर्क नहीं पड़ता। WDV में प्रॉब्लम क्या हुई होगी, जब तक आप एक नई बुक वैल्यू इस दिन की नहीं निकाल लोगे उसके आगे ही तो डेप्रिसिएशन बढ़ेगा। WDV कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, असेट को डिक्रीज करते चलो और फिर डेप्रिसिएशन निकालो। SLM में वो दिक्कत नहीं आती क्योंकि SLM में अकॉर्डिंगली आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट सिमिलर होता है, तो मैं इसलिए डायरेक्टली प्रॉफिट पर निकाल सकता हूं। नोट लिखें, एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑब्लिक सेविंग्स
एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑब्लिक सेविंग इन डेप्रिसिएशन शुड ऑलवेज बी एडजस्टेड इन पोस्ट प्रॉफिट्स that is after time adjustment देखिए बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है जब ये डेप्रिसिएशन जो आप निकाल रहे हो ये केवल इसी पीरियड को रिफ्लेक्ट करता है तो ये साल भर के प्रॉफिट्स में से कैसे एडजस्ट करोगे इसका एडजस्टमेंट भी कहां पर होगा इसी पर्टिकुलर पीरियड के प्रॉफिट में से होगा इसलिए हमेशा टाइम एडजस्टमेंट के बाद ही आपको इसका एडजस्टमेंट करना है और रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ नॉन करंट असेट्स फॉर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आपकी नॉन करंट असेट्स की जो रिवाइज्ड वैल्यू शो होगी सबसे पहले नॉन करंट असेट ऑफ पेरेंट ले लोगे जो बैलेंस शीट वैल्यू गिवन है नॉन करंट असेट ऑफ सब्सिडरी ले लोगे जो बैलेंस शीट में गिवन है प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट माइनस रिवैल्यूएशन लॉस माइनस एडिशनल डेप्रिसिएशन और प्लस सेविंग इन डेप्रिसिएशन ये लीजिए आपके पास या जाएगा यानी तीन नई वर्किंग सिखा दी मैंने आपको अब यानी अब अगर एग्जाम में आपके पास कोई भी नॉन करंट असेट्स का रिवैल्यूएशन आ जाता है तो जानते हैं आपकी तीन स्टेप शुरुआत में और बढ़ गई रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा एओपी बनाने से पहले क्योंकि इसका एडजस्टमेंट एओपी में होना है आपका और वो तीन हेडिंग क्या क्या आएंगी पहला पॉइंट प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू रिवैल्यूएशन निकालोगे सेकंड उसके ऊपर जो भी एडिशनल डेप्रिसिएशन या सेविंग इन डेप्रिसिएशन बन रहा है वो निकालोगे और तीसरा आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नॉन करंट असेट्स की जो रिवाइज्ड वैल्यू लेकर जाओगे उस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे ये तीन इंपैक्ट निकालने के बाद आपकी बाकी की स्टेप्स एज यूजुअल रहेंगी इस तरह से आपको हर नॉन करंट असेट्स के रिवैल्यूएशन को ट्रीट करना है सर एक बार स्टार्टिंग वाली स्लाइड दिखा स्टार्टिंग फर्स्ट जो नहीं जो जिसमें वो कैलकुलेट पीएनएल ड्यू टू रिवैल्यूएशन है ना थोड़ा एक पहले सर एक मिनट रुकिए सर इसके आगे वाली जो अभी दिखाई नहीं सर जिसमें कैलकुलेट पीएनएल ड्यू टू वो है रिवैल्यू
देखो फर्स्ट स्लाइड ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। समझना आप? हाँ जी। बिल्कुल काजल, एक नहीं दो तीन करने पड़ेंगे आपको। रिवैल्यूएशन ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं करवा दूंगा बिल्कुल, जिसमें करंट असेट्स भी आ जाएं, करंट लाइबिलिटी भी होंगी, सब चीजों को हम करेंगे बिल्कुल डिस्कस। यही बस एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। रिवैल्यूएशन ऑफ अब बहुत ध्यान से इस एडजस्टमेंट सुनना। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इसमें भी फर्स्ट पॉइंट, रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। ये आपको कई क्वेश्चन में मिलेगा। अब देखो, हैव पेशेंस, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर चीजें जाएंगी, तो बहुत धीरे धीरे आराम से मेरी बात को सुनना, एक एक आइटम को, हम चाहे क्लास ज्यादा लगे हमारी। देखो, मैं सबसे पहले यहां बात करता हूं सिचुएशन आपके साथ, यहां पर एक सिचुएशन में ये डिस्कस करूंगा और एक सिचुएशन में आपके साथ यहां डिस्कस करूंगा। एक अप्रैल 2019 मार्च 20 यह है डेट ऑफ कंट्रोल और यह है डेट ऑफ कंट्रोल। स्टॉक की बुक वैल्यू आपको दी हुई है, मान लीजिए 60,000, और फेयर वैल्यू दी हुई है 80,000। यानी अगर आपने साल के स्टार्टिंग में ही कंट्रोल ओब्टेन कर लिया है 1 अप्रैल को, लिसन वेरी केयरफुली। अब मुझे एक बात बताओ, 1 तारीख को आप जब सब्सिडरी कंपनी की नेट असेट देखोगे तो आपको स्टॉक को भी फेयर वैल्यू पर लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट यही कहता है 103 का कि ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज एक्वायर्ड मस्ट बी एट फेयर वैल्यू। ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज एक्वायर्ड मस्ट बी एट फेयर वैल्यू। मेरी बुक्स में अभी स्टॉक की वैल्यू चल रही है 60,000, आज इसकी फेयर वैल्यू 80 है, तो इसका मतलब यह हो गया कि मुझे 20,000 का एक प्रॉफिट हो गया, 20,000 का एक प्रॉफिट। एग्री और नॉट?
मैंने जानते हो क्या किया, हाँ गेन हो गया ना, बिल्कुल। अब सुनना बहुत ध्यान से, पर्टिकुलर प्री पोस्ट और टोटल, मैंने क्या किया होगा, यहां पर जब पी एंडल लिखा, मान लेते हैं प्री का पी एंडल मैं यहां ले लेता हूं 24,000, पोस्ट का पी एंडल ले लेता हूं 96 टोटल, इसका गैप बताइए कितना आ रहा है ड्यूरिंग द ईयर, 96 माइनस 24 72,000 का। यहां 24 लिखा मैंने, प्लस कर दिया इन्वेंट्री। अच्छा अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना, एक अप्रैल को जो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ड्यूरिंग द ईयर जब माल बिका होगा, ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल में सेल्स तो हुई होगी ना, तो क्या आपने इस ओपनिंग स्टॉक को बेचा होगा या नहीं बेचा होगा? रियलिस्टिक अजम्पशन पर बात करना। क्या कोई कंपनी ऐसा करती है कि भैया पिछले साल का स्टॉक तो पड़ा रहने दो, इस बार नया बनाएंगे और नया बेचेंगे और ये स्टॉक वापस से क्लोजिंग में पड़ा रहेगा? या आपको लगता है रियलिस्टिक ये होता है, ये जो ओपनिंग स्टॉक है इसको पहले निकालोगे फिर आप नया बना रहे हो वो बेचोगे? बोलो एग्री और नॉट। देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं बहुत आसान तरीके से आपको चीजों को बता रहा हूं। ओपनिंग बचा होगा? नहीं कुणाल, आप गलत बोल रहे हो। ओपनिंग बचा रखोगे अपने पास और नया बनाकर बेचोगे? कौन सी कंपनी ऐसा करती है? आई थिंक उन्होंने बोला ओपनिंग बेचा होगा। अच्छा बेचा होगा, ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है ओके, मेरे को वो बैनर गलत पढ़ लिया। ओके हाँ, तुम एग्री है सभी जने कि आपने ओपनिंग बेचा होगा और नया आप बनाओगे उसके बाद? अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये स्टॉक जब ड्यूरिंग द ईयर 80 में बिका होगा, बहुत ध्यान से सुनना, ड्यूरिंग द ईयर मैं ये मान रहा हूं कि ये अपनी फेयर वैल्यू पर बिक गया। अब अगर ये फेयर वैल्यू पर बिका तो क्या आपने सेल्स को क्रेडिट करके जब ये प्रॉफिट निकाला होगा तो क्या इस प्रॉफिट में इस गुड्स को बेचने का प्रॉफिट इंक्लूड हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? देखो तो जितना लास्ट लाइन मैं वापस से बोल रहा हूं, बिल्कुल सुनो, मैंने ड्यूरिंग द ईयर इस इन्वेंट्री को 80 में बेच दिया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरी बुक्स में वैल्यू 60 थी, मैंने 80 में बेचा, तो पी एंडल में प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा? यहां तो मैंने डेबिट साइड में, आप सोचो मैं पी एंडल बनाता हूं, यहां तो मैंने सीओजीएस में ले रखा है 60,000 और यहां मैं बाय सेल्स लिख रहा हूं इसकी 80,000, बताइए इसका डिफरेंस टू नेट प्रॉफिट बनेगा या नहीं बनेगा? बोलो एग्री और नॉट। मैंने बना के दिखा दिया आपको, सीओजीएस 60 थी, 80 में बेचा तो 20 का प्रॉफिट। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब ये 20 का प्रॉफिट इस 72 में जुड़ा हुआ है या नहीं है? ये 20 का प्रॉफिट इस 72 में जुड़ा हुआ है या नहीं है? है, केवल अजय बोल रहा है हाँ, इसका मतलब बाकी एग्री है। अब मुझे एक बात बताना, सुनना मेरी इस लाइन को बहुत ध्यान से, आप इस 20 का प्रॉफिट, ये 20 यही तो गैप है, ये ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हो और वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, तो क्या ये 20,000 दो बार नहीं लिख दिया? ये इसमें इंक्लूड है और आपने और लिख दिया। हाँ आ जाओ, और इसीलिए
एक एडजस्टमेंट बनता है रिवर्ट बैक ऑफ द प्रॉफिट। मैं यहां से 20,000 माइनस करूंगा जो प्रॉफिट मैं रिकॉग्नाइज कर चुका हूं वो इसमें इंक्लूड है। तो भैया दो जगह कैसे आ सकता है? हाँ बिल्कुल, रिवर्स करना पड़ेगा। ऑलरेडी डिडक्टेड नहीं, ऐड कर रहा। देखो मेरी बात को फिर सुनना, बहुत आसान ट्रीटमेंट है लेकिन इतना कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसको कि क्यों रिवर्ट बैक हो रहा है, इनके रीजन क्या है। मैं आपको वो लॉजिक दे रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, डेट ऑफ कंट्रोल पर आपने ऑलरेडी इस प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज कर लिया। अब जब ये इन्वेंट्री बिकी तो ये प्रॉफिट इसमें इंक्लूड हो गया। अब आप ऑलरेडी इस 20 का प्रॉफिट यहां लिख चुके हो और वो इस 72 में भी इंक्लूड है। तो भैया एक ही अमाउंट को दो जगह कैसे रहने दे सकते हो आप? तो इसलिए हमारा जो टाइम एडजस्टमेंट के बाद पोस्ट प्रॉफिट्स होंगे, हमें क्या करना है, पोस्ट प्रॉफिट सॉरी बाद में क्या, आपको रिवर्ट बैक, बिल्कुल आपके जो पोस्ट प्रॉफिट आएंगे वहां से आपको इसको रिवर्ट बैक सिचुएशन यानी कैंसिल करना पड़ेगा। यही चीज लॉस पर अप्लाई होती है। अगर शुरुआत में लॉस हो गया तो वो लॉस यहां भी इंक्लूड हो गया क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर बिका है और लॉस पर बिका तो ये प्रॉफिट कम हो गए, तो यहां पर लेस करूंगा तो यहां रिवर्ट बैक करके ऐड कर दूंगा। आपके स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन 1 और 2 अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसी रिवर्ट बैक की सिचुएशन पर है। इन्वेंट्री का रिवर्ट बैक किया हुआ है वहां, और रीजन समझो उसको, लॉजिक से पकड़ो, रटना नहीं है कि रिवर्ट बैक कर देना है। क्यों कर देना है वो समझो, ये दो बार इंक्लूड हो गया, प्री में तो मैंने कर दिया कंट्रोल की वजह से और यहां वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड है तो मुझे उसको हटाना पड़ेगा। हाँ मैं वापस बता देता हूं, मैं ये बोल रहा हूं आपने 1-4 को कंट्रोल लिया, उस दिन 20,000 का प्रॉफिट हुआ है इन्वेंट्री पर, आपने ड्यू टू द एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन प्री के कॉलम में 20,000 लिख दिए, प्री के कॉलम में 20,000 लिख दिए, एग्री। अब मैं बोल रहा हूं ड्यूरिंग द ईयर ये माल बिक गया, ये इन्वेंट्री ड्यूरिंग द ईयर बिक गई। अगर ड्यूरिंग द ईयर ये इन्वेंट्री बिक गई तो ड्यूरिंग द ईयर के प्रॉफिट में भी तो वो इंक्लूड हो गया। इस तरह से आपने सेल्स 80 लिखी जिसकी कॉस्ट थी 60, तो प्रॉफिट 20 से बढ़ा के नहीं बढ़ा। तो मेरा कहने का मतलब ये है ये 20 दो बार इंक्लूड हो गया, प्री में तो मैंने कर दिया ड्यू टू द इंडेक्स 110 103 और पोस्ट में वो ऑटोमेटिकली जुड़ा हुआ है तो मैं पोस्ट में से उसे माइनस कर दूंगा। इसी को बोला जाता है रिवर्ट बैक कर देना। बताइए भाई क्या मेरा ये लॉजिक समझ आया जो मैंने रिवर्ट बैक किया? क्यों किया उसका रीजन समझना, रटना मत कि माइनस करना है, उल्टा ट्रीटमेंट करना है। मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं क्यों करना है, बस वो समझो, क्यों करना है वो समझो। अगर यहां लॉस होता तो वो यहां ऐड हो जाता क्योंकि लॉस होने की वजह से ये प्रॉफिट कम हो गए, बट वो लॉस ऑलरेडी यहां लिख चुका हूं तो दोबारा लॉस कैसे लिख सकता हूं? तो मैं उसको रिवर्ट बैक करूंगा तो ऐड बैक कर दूंगा। हाँ प्री में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो ऐड हो रहा है, रिवैल्यूएशन लॉस है तो लेस हो रहा है, और रिवर्ट बैक का मतलब है इसका उल्टा ट्रीटमेंट। अगर ऐड किया है तो यहां लेस करना पड़ेगा, लेस किया है तो यहां ऐड करना पड़ेगा। और उसका रीजन था कि भैया दो बार कैसे शामिल हो सकता है एक अमाउंट, और अगर दो बार शामिल नहीं हो सकता तो आपको रिवर्ट बैक करना पड़ेगा। चलिएगा सेकंड सिचुएशन को अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, ये हो नहीं पाएगी अभी, बट ये वाली बात समझ आ गई। मैंने अभी एक केस लिया है बिगिनिंग वाला बस, और इन्वेंटरी पर डिस्कशन किया है, फिर मैं डेटर पर करूंगा, फिर मैं क्रेडिटर पर करूंगा, तो आपको हर एक चीज ये आइटम करंट आइटम का रिवॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा।
सर क्लास आप चैनल टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दीजिए आज प्लीज, मेरा इंटरनेट का इश्यू आ रहा था। हाँ हाँ मैं कर दूंगा आज वाली, बिल्कुल।